हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चाइनीज़ पोटैटो बॉल्स। बहुत ही यमी एंड टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही इजी झटपट से बन जाने वाली। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, स्किप ना करें। ये देखिए, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड फन में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चाइनीज़ पोटैटो बॉल्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी एंड यमी होते हैं ये। हमें इसके लिए उबले हुए आलू ले लेना है, अच्छे से ग्रेट कर लेना है। ये देखिए, और हमें लेना है कॉर्नफ्लावर, ये हमें इसमें मिलाना है, देख लीजिए इस मात्रा में। और हमें एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार करना है अपने हाथों की मदद से। ये देखिए इस तरह। ये देखिए, अच्छे से हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। ये देखिए, एक आटे की तरह हो गया, ये इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा सा हो गया। ये देखिए, अब हमें इसकी छोटी छोटी बॉल्स लेके ऐसे करके छोटे छोटे रसगुल्लों की तरह से इसकी बॉल्स हमें तैयार कर लेनी है। ये देखिए इस तरह सारी बना लेनी है हमको। ये देखिए दोस्तों, इस तरह हमें फिर सारी बॉल्स तैयार कर लेनी है। ये देखिए दोस्तों, फिर हमें इसे बॉयल वाटर में, गर्म पानी में हमें इस तरह अपने सारे ये डाल देना है। हमें इन्हें बॉयल करना है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारे बॉयल इतने अच्छे बॉयल हो गए हैं पोटैटो बॉल्स। ये देखिए, इस स्टेज में हमें इनको निकाल देना है। और अब हमें इसमें ये चाइनीज, जो तो आपको पता है चाइनीज तो सब डलेगा, इस पर अब हमें डालना है सोया सॉस आधा चम्मच, और आधा चम्मच हमें डालना है इसमें विनेगर। और हमें इसमें डालना है स्प्रिंग अनियन, और हमें डालना है हरा धनिया। और हमें इसमें डालना है कश्मीरी लाल मिर्च, और हमें डालना है नमक स्वाद अनुसार, और डालनी है कश्मीरी लाल, ये काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालना है आधा चम्मच। और ये सब डल गया दोस्तों, अब हमें तड़का तैयार करना है इसका। तड़का लहसुन का तड़का देना है इसमें, बस। ये देखिए, सब आइटम हमने डाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, एक पैन तैयार करना है हमें। इसमें डालना है ऑयल या कोई भी कुकिंग ऑयल या देसी घी, कुछ भी आप जो ऑयल यूज़ करते हो वो डाल दीजिए थोड़ा। और डलेगा लहसुन चॉप किया हुआ। अब हमें इसे पूरा गोल्डन हो गया हल्का सा। ये देखिए, ये ऑयल अब हमें इसमें डाल देना है। और अब हमें हल्के स्पून से, हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है सब। ये देखिए दोस्तों, क्या हमारे पोटैटो बॉल्स बन के कितने यम्मी और स्वादिष्ट बन के तैयार हैं। ये देखिए, और अब अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप थोड़ा सा सेज़वान चटनी जो है आधा चम्मच वो इसमें डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, थोड़ा ये मिला लीजिए, इससे इसके टेस्ट में चार गुना टेस्ट पड़ जाएगा। और दोस्तों, मेन इंग्रेडिएंट मेन वो है ये सफ़ेद तेल, ये डालना ना भूलें। बस अब हमारे बनके तैयार हैं। ये देखिए, कलर देखिए इनका, सो यमी। अगर आपको हल्की फुल्की भूख लगी, आजकल पता है कुछ खाने का मन नहीं कर रहा ठंड में। हेलो दोस्तों, देखिए हमारे पोटैटो बॉल्स बनके बिल्कुल तैयार है, और बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आजकल सर्दियों में आपको पता है कुछ खाने का मन नहीं करता, ये बहुत ही यमी भी लगते हैं हमें। ये देखिए, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, रेसिपी पसंद आती है दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय। ये देखिए, सो यमी।